सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर ली है। आज के लेक्चर में हम जूलॉजी के बारे में बात करेंगे। बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी, जिसमें हमारी बुक चल रही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, जिसमें हम यूनिट 5 डिस्कस कर रहे थे, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। जूलॉजी के पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। माइक्रोस्कोप की और भी वीडियोस हैं, यदि आप सबने वो नहीं देखी हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस से देख लें। प्रीवियस वीडियो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट से ऐड पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक नोट कर लीजिए आप सभी। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप 1000x मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें लेंस के 2 सिस्टम होते हैं, यह 2 लेंस सिस्टम से कंसिस्ट होता है। आप सभी नोट डाउन करते चलिए। यह कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप यानी यह सेल्स एंड टिश्यूज की स्टडी में यूज किया जाता है। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप को सेल्स एंड टिश्यूज की स्टडी में यूज किया जाता है। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप 1000x मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है। यह 2 लेंस सिस्टम से कंसिस्ट होता है। 2 लेंस कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव, एंड सेकेंड होता है ऑक्यूलर। में एक और लेंस होता है जिसे कंडेंसर लेंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैग्निफिकेशन के लिए सिर्फ ये 2 लेंस यूज किए जाते हैं। ये 2 लेंस इमेज को मैग्निफाई करते हैं, कंडेंसर लेंस क्या करता है? कंडेंसर लेंस लाइट रेस को ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है। आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर टू हंड्रेड नैनोमीटर होती है। तो फ्रेंड्स, फाइनल इमेज मैग्निफाइड एंड उल्टा होता है। फाइनल इमेज क्या होता है? मैग्निफाइड होता है। 2 लेंस द्वारा इसे मैग्निफाई किया जाता है और यह जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट का उल्टा होता है। इसे उल्टा, ये उल्टा प्रतीत होता है फाइनल इमेज। और यह 2 लेंस सिस्टम के सिस्टम के
कॉम्प्लेक्स सिस्टम द्वारा द्वारा मैग्निफाई होता है, मैग्निफाई होता है। आई होप आप सभी नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? कार्य करने का सिद्धांत। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थ्री लेंस सिस्टम होते हैं, मैंने अभी भी एक बार फिर से डिस्क्राइब किया उन्हें। थ्री लेंस सिस्टम में फर्स्ट होता है ऑक्यूलर, सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव और थर्ड होता है कंडेंसर लेंस। तो कंडेंसर लेंस क्या करता है? कंडेंसर लेंस मिरर से आने वाले लाइट रेज को ऑब्जेक्ट यानी स्पेसिमेन पर फोकस करता है। मिरर से जो लाइट रेज आती है उसे कंडेंसर लेंस द्वारा ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। सेकेंड है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? या फर्स्ट मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इमेज प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके बाद होता है ऑक्यूलर लेंस, इसे आईपीस के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्यूलर लेंस वो होता है जिससे हम अपने आंखों द्वारा ऑब्जेक्ट को सीन करते हैं। ऑक्यूलर लेंस फाइनल इमेज प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बने फर्स्ट इमेज को दोबारा से मैग्नीफाई करके फाइनल इमेज प्रोड्यूस करता है जिसे हम अपनी आंखों द्वारा देखते हैं, वह होता है ऑक्यूलर लेंस। बढ़ते हैं माइक्रोस्कोप के पार्ट्स की ओर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स कौन कौन से हैं? इसके मेन टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है मैकेनिकल पार्ट्स एंड सेकंड है ऑप्टिकल पार्ट। मैकेनिकल पार्ट्स में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट हो गया बेस, सेकंड हो गया कोर्स एडजस्टमेंट, थर्ड हो गया फाइन एडजस्टमेंट, थर्ड हो गया आर्म, फोर्थ हो गया स्टेज, फोर्थ हो गया आर्म, थर्ड फिफ्थ हो गया स्टेज, इसके बाद स्टेज, बॉडी ट्यूब, स्टेज एंड बॉडी ट्यूब, लास्ट है नोज पीस। इतने हो गए मैकेनिकल पार्ट्स। ऑप्टिकल पार्ट्स की ओर बढ़ते हैं। ऑप्टिकल पार्ट्स में थ्री सिस्टम होते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑक्यूलर लेंस, कंडेंसर लेंस। आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं इनके कार्यों की ओर। बढ़ते हैं इन सभी के फंक्शंस की ओर। बेस का क्या फंक्शन होता है? जो होल माइक्रोस्कोप की बॉडी होती है, होल माइक्रोस्कोप का जो मैकेनिज्म होता है वह बेस पर ही टिका होता है। कोर्स एडजस्टमेंट क्या होता है? यह नॉब लाइक होता है, यह एक नॉब होता है जो बॉडी ट्यूब को अप एंड डाउन मूव करता है और ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है। फाइन एडजस्टमेंट भी स्मॉल नॉब होती है, कोर्स एडजस्टमेंट के कंपेरिजन में स्मॉल होती है, यह भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए होता है। आर्म क्या होता है? आर्म एक कर्व्ड फेस होता है, यह कर्व लाइक होता है, इस पर
कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट प्रेजेंट होते हैं और यह बॉडी ट्यूब से भी अटैच होता है। स्टेज क्या होता है? स्टेज वह होता है जिस पर स्लाइड रखा जाता है, जिसके बीच में होल होता है, जिसके बीच में एक होल होता है जिसके द्वारा कंडेंसर लेंस से आने वाली लाइट रेज को स्पेसिमेन पर फोकस किया जाता है। बॉडी ट्यूब क्या होता है? बॉडी ट्यूब एक ट्यूब लाइक होता है जिसमें कि जिसके अपर एंड पर आई पीस एंड लोअर एंड पर नोज पीस के साथ ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट होता है। नोज पीस क्या होता है? यह बॉडी ट्यूब के लोअर एंड पर प्रेजेंट होता है जिस पर कि तीन डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन के ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट होते हैं। पढ़ते ऑप्टिकल पार्ट्स की ओर। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है। ऑक्यूलर लेंस फर्स्ट इमेज को मैग्निफाई करके फाइनल इमेज प्रोड्यूस करता है। और कंडेंसर लेंस क्या करता है? कंडेंसर लेंस मिरर से आने वाले लाइट रेस को ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के पार्ट्स के बारे में, आगे के और भी टाइप्स के माइक्रोस्कोप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।